पिछले व्लॉग में आपने देखा बॉयज हॉस्टल का हाल, टूटा हुआ पंखा, बिना बिजली का रूम और 40 लोगों के लिए एक स्विच। अब आगे, ये है डे टू हमारा और अपडेट ये है कि हमें रूम मिल गया था। यहाँ से आप बाहर जाओगे तो फिर आपको, लेकिन यहाँ पे सिंगल सिंगल रूम है। यहाँ सामने जाके वॉशरूम है और ये कौन सा विज्ञान भवन है, ऐसे हम सोए थे रात को। यहाँ पे मिरर भी है तो हमें मतलब मुश्किल से रूम मिल ही गया, थोड़ा बहुत एफर्ट करके। बाकी बाहर का व्यू तो खैर कुछ भी नहीं है इतना, बस ऐसे है। रावच बावच ओनु लुकावा कोई मनु ना रोके, मेरे डोल जुदाई आदी तनु खबर कि मैं होवे। तो गाइस ये है हमारा डे टू और कल के व्लॉग की एंडिंग हम करना थोड़ा भूल गए थे, तो वो ऐसी हो गई होगी जैसे हमने करी होगी, हमने टेक्स्ट दे देंगे ना। उसके अलावा आज खुशी की बात यह है हमें रूम मिल गया। हमारे जैसे दो और लड़कियां थी, फिर मैंने आर्या ने उन दो के साथ कोलैब करके रूम ले लिया, जिसकी वीडियो आपको दिख जाएगी भी। और मैं सो रहा हूँ 40 बंदों के साथ। ये 40 बंदों के, इनके रूम में पंखा भी नहीं है, पंखे पे 3 वो होते हैं, इन पे 2 हैं और बिल्कुल सर के ऊपर इनका पंखा है। पूरे 40 बंदों में एक स्विच है। सुबह जो मेस की टाइमिंग है वो 7 से 9 है, पर कमाल की बात है 6 बजे ही आँख खुल गई थी यार, नींद ही नहीं आती ऐसे किसी और जगह पे। और हमें जो भवन मिला था उसके हमें कूपन ही नहीं दिए कल, आज सुबह सुबह जाके लाए वो भी नहीं मिले, फिर किसी और भवन में जाके खाया। भाई यहाँ पे आके मतलब हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें सुनी, या तो हम बहुत ज़्यादा गवार हैं या तो हमें नॉलेज नहीं है, पर ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग क्या होता है मैंने तो देखो फर्स्ट टाइम सुना। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी होती है, कुछ पढ़ाते क्या है इसमें, ये भी कुछ होता है। मुझे लग रहा है हमारे मतलब का यही था, लगता है ISIS वाले पढ़ते हैं। तो बस हम अभी कुछ घूमने क्या बोल रही फिर रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे जेम्स थॉमसन बिल्डिंग में जा रहे हैं, आपको आपने देखी होगी। जेम्स थॉमसन बिल्डिंग में और अच्छी लग रही है, क्या ही बोले, सब अच्छा लग रहा है, अपने कॉलेज से सब अच्छा है। अपने कॉलेज से तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, कहाँ जी हाँ अपने कॉलेज का नाम यहाँ ले क्यों रहे हैं। यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स की फोटोज हैं। तो अभी हम इधर उधर घूमे हैं और देखा है कि इवेंट्स कैसे कैसे हैं, इन लोगों का कुछ वीडियो गेम का कुछ है इवेंट 2 बजे, तो ये वहाँ पे जाएंगे और हम देखते हैं। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं चाय गरम पे, कुछ खाएंगे। हर जगह जाने के लिए 1-2 किलोमीटर चले जा रहे हैं बस, बाकी यहाँ पे चलते इतना पता लग नहीं रहा है। तो भाई हमारा सारा खाना वगैरह हो गया, काफ़ी 1-2 जगह गए हम,
हमारा ये मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे जाएं, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी भैया की फरमाइश पे। इनका थोड़ा सा पढ़ने का मूड हुआ, इनको लाइब्रेरी चुनते हैं। लाइब्रेरी कैसा लग रहा है भाई? पढ़ने का नहीं है वहाँ पे, मेरा ये स्पोर्ट्स का कंपटीशन। अरे स्पोर्ट्स का कोई कंपटीशन है, वहाँ जा रहे हैं ऑटो में जा रहे हैं, काफी चल रही है हम पर, अब हमसे और नहीं चला जा रहा। अभी हम आए हैं एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉग पे। यहाँ पे ई स्पोर्ट्स गेमिंग का क्या कहते हैं कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट करने का सोचा। BGMI, Valorant, बहुत सारे गेम्स हैं। भाई वापस जा रहे हैं हम, इनके लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, वैसे अच्छी बात भाई। हम थोड़ा सा थक गए थे, मेन इवेंट्स तो यार कल से स्टार्ट होंगे। आज मैं मतलब मोस्टली वर्कशॉप्स थी, हमने वर्कशॉप इतने ली नहीं, तो मैं कह रही थी कि मेन इवेंट्स तो मतलब कल से ही स्टार्ट है। आज तो मतलब हम देख रहे थे, थोड़ा थक गए यार इधर उधर हम चल चुल के, भैया वहाँ पे दुखी बैठे हैं और आर्या यहाँ पे है। बाकी कुछ ऐसा मेरे को भैया ने बताया, कुछ बंदे रात को बाहर सोए बेचारे, उन्हें रूम ही नहीं मिला, उनकी अलॉटमेंट थी। मतलब हम तो इतने कमी निकाल रहे थे कि हमें हॉल क्यों दिया, ये क्यों दिया, वो क्यों दिया, पर ऐसे भी बच्चे थे जिन्हें रूम भी नहीं मिला, और कुछ बच्चे फिर अपना रिफंड लेके वापस गए हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो थोड़ा ध्यान रखना यार। देखो यार हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब हम तो फिर भी ठीक है ना, हमें अकोमोडेशन वगैरह प्रॉपर मिली है, हमें रूम मिला है, इन्हें हॉल मिला है, पर हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं जिन्हें कुछ रूम वगैरह नहीं भी मिला। नहीं, मैं तो सबकी तरफ से बोल रहा हूं। ये आप बोलो पहले। तो पता है क्या करेंगे, ये जब वर्कशॉप की बात आती है ना तो फोन कर करके वर्कशॉप ये वो सारी अननेसेसरी चीजों के लिए इतना फोन करते हैं। इनके कम से कम 10-15 कॉल ऐसी ये ले लो। और जब हमने यहाँ पे आना था ना तो हाँ जी हम देख लेंगे, तो जो लोग आपको फोन करते हैं और आपको बोलते हैं कि हाँ हम देख लेंगे, हम करा देंगे, कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं करते हैं, करना आपको खुद ही पड़ता है, वो बाद में उठाते भी नहीं है फोन। तो यही सिस्टम है भाई। बाकी ठीक है यार, हम तो कॉन्सर्ट देखने आए हैं, हमने उसी के पैसे दिए हैं। हम थोड़ी देर ग्राउंड में बैठे हुए थे, आर्यन भैया तो वहीं पे बैठ गए, उन्हें थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए था, यहाँ पे एग्जीबिशन थी। तो अब हम दोबारा से यहाँ जा रहे हैं। यार आप सोच रहे हो कि हमें चाय गर्म से कितना प्यार है, हम 3 बारी गए, हम 2 बारी गए सिर्फ, ये पूछने गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे हैं नहीं, अब जा रहे हैं देख रहे हैं गोलगप्पे खाएंगे, भूख नहीं है बस एक गोलगप्पे खा के वापस जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, फूड ब्लॉग है? आज के दिन भी मतलब कोई इतना खास इवेंट नहीं है कि सब ऐसे खुशी से जाएं। नहीं नहीं रात को साइलेंट डीजे, हाँ साइलेंट डीजे है रात को, और कुछ बट उसके लिए अलग से पे करना पड़ रहा है, और रजिस्ट्रेशन भी 300 रुपए है। तो भाई हमने गोलगप्पे खा लिए, पता है हम यहाँ 3री बार आए थे ना, तो भैया देख के भी हमें हंस रहे थे कि यार देखो फिर आ गए। तो मैंने कहा कि भैया 2 एक्स्ट्रा तो बन गए, 1 एक्स्ट्रा तो बन गया, भैया ने 3 एक्स्ट्रा दी, 3 लाइक। अरे वो बोल रहे थे अरे आप ही खा लो, आप ही खा लो, मतलब उन्होंने ना 20 रुपए में एक तरह से ना अनलिमिटेड गोलगप्पे खिला दिए, दही वाला भी, पानी वाला भी, अरे आप खाओ यार, आपको लोग भी अच्छे है। ये सब मिलेगा आपको चाय गर्म ढाबा पे, ढाबा नहीं है वो कैफे है जो भी है, कैंटीन है, बट खाना अच्छा था यहाँ का, हर चीज अच्छी है, रिकमेंडेड है, रीजनेबल प्राइस पे भी है, सस्ता है बोल दे यार, जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस से है ना वो तो हाँ। बहुत सस्ता है यार ये। तो भाई अपडेट ऐसी है कि हमें समझ नहीं आ रहा व्लॉग शुरू कहाँ से करें। एक्चुअली ये दो मेरे रूममेट्स हैं,
ये आकृति दीदी है, वो ईशा है, और हम ये रास्ते में मिल गए थे। फिर हमने 15 मिनट हमने 15 मिनट बातें करी, और उसके बाद हमें ख्याल आया ओ व्लॉग भी तो कंटेंट मिस हो रहा है, ख्याल है कंटेंट जा रहा है। कौन सारे चिटकारा से हैं, चिटकारा से हैं, डॉक्स कर रहे हैं। मैं नहीं, आई कैन बी एसोसिएटेड। और मुझे पता चला कि ये भी इनके साथ कंटेंट बनाते। सॉरी भैया, गलती हो गई। सारे फनीज पहले हो गए। चलो भाई, हमारे बीच में बहुत अस मोमेंट्स हो गए, इसीलिए हम लोग बहुत रिलेट कर लिए एक दूसरे से। हमने आईआईटी की बेइज्जती कर दी यहाँ की अकोमोडेशन की, हमने बहुत बेइज्जती कर दी। यहाँ के कैंटीन में लस्सी भी मिलते हैं। वाह, यहाँ के पंखों में स्प्रिंग भी नहीं है। अरे वो पंखा तभी तो कम नहीं है भाई। यहाँ पे मेरे को लग रहा है वो गाना लग जाएगा, देखो इन्हें। पता है क्या, हमें ना रस्सी चाहिए थी, हमारा जो मॉडल है ना उसमें हमें वेट लगाना है। तो उन्होंने बोला कि किसी स्टेशनरी शॉप पे चले जाओ, यहाँ सर हर हॉस्टल में मिल जाती है। हमने कहा ओके, हर हॉस्टल में रस्सी मिलती है, ठीक है। हम गए शॉप पे रस्सी लेने, तो वो पूछते कौन सी चाहिए लटकने। सही बात है। अरे यहाँ पे वो वाला सीन होगा ना, 75 केजी टू 75 ग्राम। बिजनेस होता है, ठीक है, उसका चल रहा है। हमारे पास दोनों है, तो मैंने कहा दो दिन बाद आपको भी आएगी खबर क्योंकि हॉस्टल में सुसाइड हुआ था। और पता नहीं कल हमारे ग्रुप में किसने लिख दिया, इसलिए ये लोग सुसाइड करते हैं। पूरा ग्रुप चुप। भाई पता नहीं प्लस वन किसने लिख दिया था, ओनली एक लिखा था प्लस टू मेरे साथ वाले का भी है। बातें सारी हमारी खत्म हो गई हैं। वैसे अब खड़े रहेंगे तो फिर पूरी रात हो जाएगी। हम तो रूम पे ही बातें कर लेंगे। हाँ, और हम चलेंगे टीवी रूम पे। टीवी रूम विद PS5 कंट्रोलर। गर्मी बहुत हो रही है, पंखा चला ले। अरे वो फोन की बैटरी भी डाउन है। तो भाई इस ब्लॉग की एंडिंग ना हम यहीं पे कर देंगे, इससे बड़ी एंडिंग हो नहीं सकती है। इसकी आगे की अपडेट आपको मिलेगी डे 3 हो जाएगा ना। हाँ, डे 3 ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू स्ले दैट ब्लॉग। सब्सक्राइब गाइस, सब्सिडी के लिए डायल कीजिए CNG का नंबर। और हाँ, किचन वाले सब्सक्राइब में खरीद देना। ससुराल गंदा फूल, तुम सबको बाप की कसम। चलो।